हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अब तक जानकारी मिली गई होगी कि एनसीटी की अध्यक्ष का बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके ऊपर एक बयान आया है कि किस कौन किसके लिए एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, जो एनसीटी से जो चीज़ अभी तक कोई चीज़ स्पष्ट रूप से निकली नहीं थी, लेकिन एनसीटी के अध्यक्ष से जो पूछा गया, मतलब बयान जो उनका आया है उसके आधार पर देखिए उन्होंने क्या कहा है। और उसके बाद उनके जो बयान का जो सार है उसके बाद KVSPRT 2018 69,000 शिक्षक भर्ती, जो लोग शिक्षक लग चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा KVSPRT जो वर्तमान में चल रही है भर्ती उस पर और BPSC शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनसीटी के अध्यक्ष ने जो बयान आया वो अभी तक आप सभी ने सुनी लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी सार उसका बता देता हूँ कि एनसीटी अध्यक्ष ने जो बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि अभी तक ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। मतलब कोई भी अभी ऐसा कोर्स नहीं बना, बीएड ऐसा नहीं, अभी इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो कक्षा 1 से 12 तक के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, अगर एलिजिबल नहीं होता है तो फिर आप लोगों ने 2018 में कैसे उनको एंट्री दे दी थी। क्योंकि देखिए गलती यहाँ पर एनसीटीई की है सबसे बड़ी, क्योंकि अगर एनसीटीई ने एंट्री ना दी होती 2018 में तो फिर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग बीएड किए हैं वो यहाँ पर बीएड नहीं बीटीसी करते, ये 100% है। बीटीसी डीएलएड या बीएचटीसी जो भी है, लेकिन यहाँ पर एनसीटी ने उनको अंदर मतलब उनको एलिजिबिलिटी दे दी तो किसी के भी मन में आएगा कि हमें सबका ही मौका मिलेगा, हम बीएड कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो ये गलती उनको माननी चाहिए। लेकिन हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट अब कहा है कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए ऐसा अभी कोई भी कोर्स नहीं है जो कक्षा 1 से 12 तक के लिए एलिजिबल हो। ठीक, तो इसके आधार पर आप देखिए KVSPRT 2018 और 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन है आपकी 28 जून 2018 वाली जो मतलब एनसीटी की अधिसूचना है उसको रद्द कर दिया है, और ये जितनी भी परीक्षाएं हैं 2018 की KVSPRT 69,000 शिक्षक भर्ती ये सभी आपकी उसी अधिसूचना के आधार पर करवाई गई थी। ठीक है, और आप देखिए इनके लिए क्या किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अगले दिन या फिर शायद उसी दिन एनसीटी के एक बैठक हुई थी, ठीक है, हेडक्वार्टर पे। ठीक, तो उसमें जो खबर निकल के सामने आ रही थी उसमें यही था कि KVS जो एनसीटी है उसने KVSPRT 2018 के जो शिक्षक लग चुके हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है उनके लिए नया मतलब ब्रिज कोर्स का डिजाइन करने के ऊपर बात कही गई थी। ठीक है, तो ये पूरी उम्मीद है कि जो लोग चयनित हो चुके हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, खासकर जो 2018 की KVSPRT और 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है, इसमें ब्रिज कोर्स करवा के इन लोगों को एंट्री दे दी जाएगी, इनके ऊपर शायद ही कोई आँच आए। मुझे अभी पर्सनल जो अभी तक की जानकारी है उसके आधार पर लगता है कि इन पर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जो KVSPRT 2022-23 वाली है और BPSC शिक्षक भर्ती है इस पर तो 100% मतलब इस पर तो असर होगा ही, क्योंकि 2018 की जो अधिसूचना है वो रद्द कर दी गई है और अभी ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है, KVSPRT में तो स्पेशली क्योंकि इसमें पहले से ही मेंशन कर दिया गया था कि इसमें ये जो भर्ती है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी। ठीक, तो इसमें तो स्पष्ट है कि KVSPRT से तो बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पे झटका लगेगा। हालांकि ये है कि जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें गलती, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बीएड का पक्ष ले रहे, कुछ कहते हैं बीटीसी का पक्ष ले रहे, पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गलती गवर्नमेंट और एनसीटीई की है कि और दूसरी चीज़ है कि ये अगर थोड़े दिन वेट करके पेपर करवाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग सीधी सी बात है अगर आपको मौका मिलता आपके 150 नंबर बनते और एकदम से निकाल दिए जाते तो आपको झटका तो लगता ही। ठीक, बस इतना ही बुरा लग रहा है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे वो तो मालूम मानना ही होगा क्योंकि वो तो सुप्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो KVSPRT में तो स्पष्ट है कि अभी के हिसाब से जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उस हिसाब से KVSPRT में बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है इस बार वाले में। BPSC का अभी स्पष्ट नहीं कुछ किया जा रहा है कि राज्य सरकार इस पर क्या चाहती है। ठीक है, हालांकि अभी जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग अपनी तैयारी करते रहे BPSC की, और मुझे उम्मीद है कि पेपर हो जाएगा, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, अब इनके साथ भी ऐसा ना हो कि बाद में, क्योंकि 28 तारीख को आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। ठीक है, तो उसका भी जो सुनवाई है वो 28 तारीख को होनी है, तो उसके बाद उसके बारे में भी स्पष्ट होगा, तब तक परीक्षा हो चुकी होगी। ठीक, तो यहाँ पर KVSPRT 2018 और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उम्मीद है कि ब्रिज कोर्स करवा के इनको एंट्री दे दी जाएगी, लेकिन KVSPRT 2022-23 में तो 100% है बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक दो दो चार दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगे, तो जो भी जानकारी आएगी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।